विश्व की पहली पनडुब्बी यानी सबमरीन एक डच साइंटिस्ट ने 1602 में बनाई थी। पहली सैनिक पनडुब्बी टर्टल 1775 में बनाई गई थी। यह पानी के अंदर रहते हुए सभी सैनिक कार्य करने में सक्षम थी और इसलिए इसके बनने के एक वर्ष बाद ही इसे अमेरिकी क्रांति में प्रयोग में लाया गया था। 1620 से लेकर अब तक इनमें काफ़ी बदलाव आया है। 1950 में परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों का आविष्कार हुआ। इसके बाद समुद्री जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली पनडुब्बियों का भी आविष्कार कर लिया गया। इन दो आविष्कारों से पनडुब्बी निर्माण क्षेत्र में क्रांति आ गई। आज के समय में सबमरीन कई महीनों तक पानी के अंदर रहने में सक्षम हो गई है। आज के समय में इनका प्रयोग टूरिज्म के लिए भी होने लगा है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।